नमस्कार दोस्तों, कान का पर्दा फट जाना बहुत ही आम बीमारी है और परफोरेटेड ईयर ड्रम्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समस्या होती है। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कान बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसके थ्रू, इसके वजह से ही हम सब सुन पाते हैं और इस संसार को जान पाते हैं। तो हमारा कान तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, उसमें होता है ऑटिकल और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस, मतलब ये जो पाइप है अंदर वाली, जहाँ पर आप कभी कभी उंगली डालते हैं या कुछ और चीज़ें डालते हैं और साफ़ करते हैं, तो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। अब चलते हैं मिडिल ईयर की तरफ। तो मिडिल ईयर में तीन बोन आती हैं, स्टेपस, इंकस और मैलस, और साथ ही साथ ईयर ड्रम आता है। तो ये होता है मिडिल ईयर का पार्ट। दोस्तों, लास्ट में इंटरनल ईयर के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल ईयर में कॉकलियर ऑर्गन आता है, साथ में सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं, वेस्टिबुलर नर्व आती है, फेशियल नर्व आती है और ऑडिटरी नर्व आती है। ये होते हैं इंटरनल ईयर का पार्ट। दोस्तों, एक ट्यूब होता है जो हमारे कान के मिडिल ईयर से लेकर गले तक रहता है, उस ट्यूब को बोलते हैं स्टीचियन ट्यूब। ये है कान की एनाटॉमी। कभी कभी हमें लंबे समय तक एक्सटर्नल ईयर में और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, और लंबे समय तक हो तो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसमें कान से मवाद निकलता रहता है बीच बीच में। दोस्तों, ये इन्फेक्शन होने के कारण कान में जो ईयर ड्रम है वो फट जाता है, उसमें छेद हो जाता है और फिर मवाद कान से बीच बीच में निकलता रहता है। दोस्तों, इस कंडीशन को हम परफोरेटेड ईयर ड्रम बोलते हैं, या हिंदी में आमतौर पे कान के पर्दे में छेद बोलते हैं। दोस्तों, सिर्फ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण ही नहीं, इसके कुछ और कारण हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या और कारण हैं, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके कान का पर्दा फट गया है तो उसका मुख्य कारण है ओटाइटिस मीडिया, मतलब इन्फेक्शन। मिडिल ईयर में या एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन होने के कारण, बार बार मवाद भरने के कारण और मवाद निकलने के कारण कान के पर्दे में छेद हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है ट्रॉमा, मतलब आपको किसी ने बहुत तेज़ से मार दिया है और कान में मार दिया है, या कान के बल आप गिर गए हैं तो कान के पर्दे में छेद हो सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण है एक्सप्लोजन, या बहुत तेज़ साउंड आपको सुनाई दे। मान लीजिए बगल में कोई बम फट गया, इसके कारण कान में छेद हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड एकदम से सुन लिए हैं, उसके कारण भी कान में छेद हो सकता है। दोस्तों, एक कारण है लेकिन थोड़ा आम नहीं है। दोस्तों, जब आप हवाई जहाज़ में उड़ते हैं और वहाँ पर कोल्ड कंडीशन होता है, मतलब ठंडी जगह होती है, जब आप लैंडिंग करते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण स्टीच्यूएंट ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और कभी कभी कान के पर्दे में छेद हो सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों ये थे प्रमुख कारण। दोस्तों, अब चलते हैं क्या होता है अगर आपके कान में छेद हो। दोस्तों, अगर आपके कान में छेद है तो मवाद निकलता है, पस निकलता है कान से, और बार बार कान में इन्फेक्शन होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि बार बार कान के इन्फेक्शन के कारण आपको कान के पर्दे में छेद हुआ है। साथ ही साथ कान में कम सुनाई देता है, मतलब हियरिंग लॉस होती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती, कुछ दिनों तक होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर कुछ दिनों तक होती है। साथ ही साथ आपको साएं साएं की आवाज़, टाइनेटस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कान में एक अलग तरह की आवाज़, झंझनाहट या सनसनाहट सी बनी रहती है। साथ ही साथ नौजिया आपको महसूस हो सकता है, बार बार उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम इंटरनल ईयर के कारण हुआ है, या इंटरनल ईयर भी इफेक्ट हो गया है, तो आपको चक्कर भी मार सकता है। कान में इन्फेक्शन होने के कारण आपको दर्द भी हो सकता है। तो ये आम लक्षण होते हैं अगर आपके कान का पर्दा फट गया है। दोस्तों, अब चलते हैं
होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन्स ले सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है अगर ईयर ड्रम फट गया है, लीडम पाल। दोस्तों, लीडम पाल जो ईयर ड्रम फट गया है उसको हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ जो आसपास इन्फेक्शन है उसको भी ये कम करती है। दोस्तों, लीडम पाल को 30 CH में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, लीडम पाल 30 CH में 2 बूंद सुबह सुबह पीना है, 2 बूंद दोपहर में पीना है और 2 बूंद रात को पीना है। मान लीजिए मेरे हाथ में लीडम पाल है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में सुबह सुबह पीना है, दोपहर में पीना है और रात में पीना है। दूसरी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की सबसे पहली मेडिसिन है पल्सेटिला। दोस्तों, अगर कान से पीला मावाद निकलता हो और मावाद में बदबू होती हो, पल्सेटिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पल्सेटिला को इस कॉम्बिनेशन में 6 CH में यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है काली म्यूर 6 CH में, 6X में नहीं, 6 CH में। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। मावाद पीला कलर का निकले, बार बार निकले, बीच बीच में ठीक होने के बाद फिर से निकले और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया आपका ठीक ना हो रहा हो, जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो कुछ दिन तक आराम लगे उसके बाद फिर से हो जाए, काली म्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और लास्ट में साइलीशिया 6 CH। साइलीशिया इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करती है और मावाद जो बना हुआ है उसको बहुत जल्दी निकाल देती है, कान को फिर सुखा देती है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। उसके बाद ईयर ड्रम को ये हील करना चालू करती है। तो आपको पल्सेटिला 6 CH पोटेंसी में, काली म्यूर 6 CH पोटेंसी में और साइलीशिया 6 CH पोटेंसी में, ये तीनों मेडिसिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आना है। SBL की, WSI की या डॉक्टर रेकवैक की लेके आइएगा पैक्ड मेडिसिन। और ये तीनों मेडिसिन बराबर मात्रा में एक खाली शीशी में भर लीजिएगा, लगभग 100 ml की खाली शीशी ले लीजिएगा। अगर 30 ml की लेते हैं 30 30 ml की तीनों आप डाल दीजिएगा। अगर 11 11 ml की डॉक्टर रेकवैक की लेते हैं तो 11 11 ml की बराबर मात्रा में होना चाहिए, बस उसको बना लीजिएगा। दोस्तों, ये बन गया कॉम्बिनेशन। इसको आपको यूज़ करना है लगभग 3 बूंद डायरेक्टली टंग में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को लीडम पाल के साथ यूज़ करिएगा और दोनों में 10 से 15 मिनट का अंतर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ। दोस्तों, हिपरसल्फ को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, हिपरसल्फ मावाद को सुखाती है, इन्फेक्शन को कम करती है और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, ईयर ड्रम को जल्दी से जल्दी ठीक करती है। दोस्तों, हिपरसल्फ 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आपको पीना है। और बाकी ये कॉम्बिनेशन और लीडम पाल 30 नाश्ता करने के 10-15 मिनट बाद पी लीजिएगा, उसके बाद खाना खाने के 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद दोपहर में पी लीजिएगा और एक बार रात में पी लीजिएगा। ये तीन मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे, एक कॉम्बिनेशन, एक लीडम पाल और साथ में हिपरसल्फ, ये तीनों मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे लगभग 1 महीने तक तो ईयर इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और लगभग 3 से 6 महीने तक अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो जो प्रॉब्लम है ईयर ड्रम में परफोरेशन की वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। सभी की सभी मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में मिलेंगी या आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जो ईयर ड्रम की प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।